जय श्री कृष्णा। सभी मित्रों को मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आने वाले 2022 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं पहले से ही मैं आपको दे रहा हूं, और 2022 के लिए मैं आप लोगों के हितार्थ, भविष्य की उज्जवल करने के लिए वीडियो डालूंगा, ताकि आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर हों और आपका जीवन सुगम हो। तो इसी के साथ ही हम शुरुआत करते हैं। यदि आपका मेष लग्न मेष राशि है, तो ऐसा क्या किया जाए कि आपके जीवन की जो बाधाएं हैं, कोई काम आपने शुरू किया था रुक गया, कोई ना कोई समस्या बन रही है, मकान खरीदना चाह रहे हैं बेचना चाह रहे हैं बाधा आ रही है, रोग रिपु ऋण से आप परेशान हैं, भाइयों से आपका विवाद है, मतलब बहुत भारी समस्याओं से आप घिरे हुए हैं। आज का जो विषय है वो सिर्फ मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए है। 2022 से अगर आपको शुरुआत करनी है, अपने एक सुनहरे जीवन की परिवर्तन लाना है शुभ, तो अभी से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सुंदरकांड। हम सभी जानते हैं इसका अद्भुत प्रभाव है। कलयुग में तो ये पारस पत्थर की तरह, कल्प वृक्ष की तरह आप इसको मान सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ आपको कब करना है? मेष लग्न मेष राशि, आपको सुंदरकांड का पाठ बुधवार के दिन प्रातः 5 बजे स्नान आदि से निवृत्त होकर 5 बजे आप बैठ जाइए। तुलसा जी आपके सामने हो, पीपल आंवला बिल्व वृक्ष या अशोक वृक्ष, कोई भी इनमें से शुभ वृक्ष, शमी वृक्ष भी हो सकता है यदि हो, तो जरूर कोई ना कोई वनस्पति होनी चाहिए। और तुलसा जी तो अपने आप में अद्भुत है। तो आपको करना क्या है, तुलसा जी में जल दूध मिलाकर उनको चढ़ाइए। तुलसा जी के जो 12 नाम हैं या उनका जो अष्टक है, 8 नाम हैं, वृंदा वृंदावनी विश्वपावनी विश्वपूजिता पुष्पसारा नंदिनी तुलसी कृष्ण जीवनी, 8 नाम लेकर, या उनका जो मंत्र भगवान विष्णु ने बताया था उसका 11 बार जाप कर श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्यै नमः, इस मंत्र को 11 बार जपी और दूध जल चढ़ाइए, रोली कुमकुम टीका लगाई, घी का एक दीपक उनके पास रखिए और एक जल का लोटा पास में भर कर रखिए, धूप बत्ती जोड़िएगा ना कि अगरबत्ती, इस प्रकार करके 7 प्रदक्षिणा लगाकर सुंदरकांड का पाठ आरंभ करें। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले भगवान श्री राम के 108 नाम नहीं आता, 18 बार राम का नाम लेना है आपको, और हनुमान जी के 12 नाम बोलकर हनुमान चालीसा पहले पढ़नी है एक बार, फिर आप सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी को जरूर भोग करोगे और तुलसी पत्र जरूर रखें। तुलसी पत्र जो है, जो मैंने मंत्र बताया है वो मंत्र बोलकर, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर 5 तुलसा जी की पत्ती आप तोड़िए, गंगा जल से यमुना जल से धोइए, भगवान नारायण को तुलसी पत्र 5 अर्पित कीजिए, फिर उन तुलसी पत्रों को हनुमान जी को भोग लगाइए, उनके 12 ही नाम लेते
सुंदरकांड का पाठ आरंभ कीजिए। और जैसे ही सुंदरकांड संपूर्ण होता है तब जो प्रसाद है तुलसा जी है उसको बांटिए। हनुमान चालीसा का पाठ सुंदरकांड के बाद में भी करना होता है शुभ परिणाम के लिए। बाकी कुछ नहीं करना है, बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल भी ना करें सुंदरकांड का पाठ करने के बाद। आपको करना कब है? सिर्फ बुधवार के लिए करके देखिए और इसका परिणाम आप 2022 में देखिएगा कितना अद्भुत है और कितना आप अचीव कर पाते हैं अपनी लाइफ में का जरूर कमेंट करिएगा। यदि आप मेष लग्न मेष राशि के हैं, आपकी बाधाएं यूं चुटकियों में दूर हो जाएगी। जिस तरीके से आपको बताया है उस तरीके से आप करिए, शुद्ध और सात्विक तरीके से, लाल वस्त्र लाल आसन हो तो बहुत ही ज्यादा शुभ है। इतना करना है आपको तुलसा जी के सामने। आंवला वृक्ष हो, बेलूपत्र हो, शमी वृक्ष हो, पीपल हो, बहुत बढ़िया है, जिसमें तुलसा जी सबसे शुभ है, इतना आप करिएगा और इसका परिणाम आप आपके जीवन में जरूर आपको अच्छा ही मिलेगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा वृषभ राशि वृषभ लग्न के लिए विदा होते हैं। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।